भाई आटे की वीडियो बनाने लगे हम, तो आपको बताते हैं आइटम इसमें क्या क्या डालते हैं। तो ये देख लें, ये चोकर है जो बकरा खाता है, जानवर जो खाते हैं। अच्छा, ये खमीरा आटा है जो आपने एक दिन पहले भून के रख देना है थोड़ा सा, सही है, तकरीबन आधा पाव है ये, आधा पाव चोकर है, और ये समझ लेंगे आधा पाव के करीब ही है, और ये एक ब्लू बैंड मक्खन की टिक्किया है, ये देख लें आप। तो इसको किस किस तरीके से डालना है आटा बनाते हैं, ये देख लें आपके सामने किस तरह से आटा गून रहा है। तसला छोटा है थोड़ा सा, तसला बड़ा ले लेना आपने, और ये देख लें इसको आटे को गूनना है। इसके अंदर आपने किस तरह से आटे को, ये तो गिर रहा है थोड़ा सा, बाकी ये के ये आटा कंप्लीट गुनने पे आ गया है भाई, आप देख लें। अच्छा, दो दरिया पे अक्सर मैं आटा इसी तरह से गूनने के बाद आइटम मिलाता था, मगर आपसे आज शेयर कर दी ये बात कि आपको बता दिया इसमें क्या क्या आइटम है। देखें, ये चोकर है, ये खमीरा आटा है जो आपने रात को गून के रखना है, ये आपका खोया है, ये ब्लू बैंड मक्खन है आपको फिर बताया, और ये आटा गून चुका है। ये सब आइटम गूनने के बाद डलते हैं इसके अंदर। ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर ये चोकर, ये देखें ये चोकर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चोकर ऐड करना है, फिर आटे को गूंदना है इस तरह से आटे को गूंदना है चोकर, और जो आपके सामने है फिर थोड़ा सा चोकर डालना है ऐसे। ये बकरी खाते हैं वो है जो जानवर खाते हैं, मगर आपने इसको भरपूर डालना है, आसरा नहीं करना है मछली को, समझ लो कि बहुत मज़ा आता है इस चीज़ से। तो आपके सामने देख लें कैसे गूंद रहे हैं ये, ये बाद में इसलिए मिलाते हैं भाई ये आइटम कि इसमें आए मज़ा आए, इसके अंदर छिलका आए, ताकि मछली के मुंह पे लगेगा तो इसको चारे को नोचेगी। या आधा पाव चोकर है भाई, ये देख लें आपके सामने, इस तरह से इसको भूनना है, इस तरह से इसको मसलना है। और भी भाई वीडियो डालते हैं अपनी आटे की, हर तरीके से डालते हैं, बहुत अच्छी डालते हैं, ये हमारा अपना तरीका है। आपने मेरे दंदिया मारने की तादाद भी देखी होगी, आपने मेरा दंदिया मारने का साइज भी देखा होगा। तो भाई ये आज आपको ये शेयर कर दिया सारा फन अपना जो हम दंदिया मछली पकड़ते हैं। तो देखते रहें, आपके सामने आटा बन रहा है, ये चोकर आपने इसी तरह से डालना है आटा गूंदने के बाद, फिर उसके बाद क्या डालना है वो भी हम आपको बताते हैं। ऐसे गूंदना है इसको, ये कंप्लीट हो गया चोकर इसके अंदर पूरा। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे आटा खमीरा, ये देख लें आपके सामने, मेहनत तो होती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है, आपने मेहनत से आटा गूंदना है अच्छा करके। ये है खमीरा आटा जो आपने रात को गूंद कर रख देना है थोड़ा सा, और सुबह उठ के जब आप आटा बनाएं तो उसके अंदर ये आपने मिला देना है, सही है। ये आटा पूरा इसके अंदर ऐसे लेप करके और इसको सही से मसल लेना इसके अंदर, ये देखें हल्की सी खुशबू चाहिए होती है और वो खुशबू इससे आ जाएगी। ये हो गया,
अब इसके अंदर जो मिलाने जा रहा हूँ मैं वो आइटम है आपका खोया, जो जर्दे में अक्सर डलता है और ये जो बहुत सारी मिठाइयों में डलता है, ये खोया है आपके सामने। तो आधा आपने ऐसा लेना है इसको और आधा इस पे पूरे पे ऐसे मल देना है। इस आटे के ऊपर बेहतरीन चाया मछली आएगी, इस आटे के ऊपर बेहतरीन डाटी मछली आएगी। डाटी बहुत अच्छा शौक से खाता है खोए वाले आटे को। अच्छा, दूसरा इसके अंदर दंदिया, काला दंदिया बहुत शौक से खाता है। दूसरा अल्लाह भला करे और मछलियां हैं जो इसको पसंद करती हैं। घिसर हमने आपको दिखाया इस पे मार के और दंदिया मार के दिखाया आपको। दंदिया के साइज भी देखें, बड़े से बड़ा दंदिया लगता है इसके ऊपर। और अक्सर मैं भाइयों को कहता हूँ कि आपने वजन नहीं लगाना है, आटा इसलिए ज़्यादा गून के बताया आपको। ये खोया रह गया है, इस खोए को फिर आपने ऐसे लेना है, इसको पूरे को ऐसे मल देना पूरे पे। अच्छा, ये कंप्लीट वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखें ये। तो ये आइटम है भाई जो इसमें मिलाना पड़ते हैं और दंदिया मछली आराम से आ जाता है। ख़ास तौर पे ये आटा है दंदिया मछली का। और आपने वैसे तो आपको डाटी भी लगेगा, घिसर भी लगेगा और जो है ना क्या नाम है इसके ऊपर कपरतान भी लग जाता है, मगर कपरतान मछली हम ज़्यादा नहीं वो करते, आटे पे बहुत कम आता है वो। मगर ज़्यादा दंदिया, डाठी और इसके अलावा आपका इसको चाया बहुत शौक से खाता है। चाया का फेवरेट है खोए वाला आटा, सही है। अच्छा, अब डालेंगे हम मक्खन, ब्लू बैंड मक्खन है ये, आपने लेनी है टिकिया। 2 किलो आटे में 50 वाली टिकिया पूरी डलेगी, देखें ये आटा है, ये टिकिया है। मेहनत तो होती है, आपने मेहनत से आटे को बनाना है और इसको सही से इसके अंदर लगा देना है, आसरा नहीं करना है आपने। ये देखें, ये जब आटा तैयार होगा मछली पागलों की तरह दंदिया कहीं पे भी हो, पानी कैसा भी हो, इंशाल्लाह खाता है इस आटे को। ये देख लें भाई, मगर मेहनत होती है थोड़ी सी, बस मेहनत से घबराना नहीं है और आटे को दिल से बनाना है तरीके से। जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतना अच्छा मछली खाएगा। तो ये देख लें आपके सामने आटा तैयार होने पर आ रहा है। अच्छा, आपने 2 दलिया पे अक्सर लोग बोलते हैं मुझे जो है ना आटा की वीडियो आप दिखाते हो गुनने के बाद की, आटे की गुनने के बाद की वीडियो नहीं होती, वो आटा हम गुन लेते हैं उसके बाद जो आइटम मिलाते थे वो हम बाद में मिलाते थे। तो इंशाल्लाह आज आपसे ये शेयर कर दिया है तरीका। बहुत से भाइयों की शिकायत थी कि आटे का फार्मूला बताएं, तो भाई शकील भाई का फार्मूला ये था आपके सामने, ये देख लें। आटे ने मुझे पसीने पसीने कर दिया, मेहनत होती है काम में, मेहनत में ही अजमत है और मेहनत में ही जो है ना सब कुछ है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा आपको। दंदिया मछली आसानी से नहीं आ जाता है, बहुत से चारे लगाते हैं, झींगा केचुआ, आपने मुझे नहीं देखा होगा कभी इन चीज़ों से खेलते हैं। मैं नहीं, इसी आटे से ही हर मछली मार लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आटा हमारा गुन चुका है, ये देखें। अच्छा, ये देखें भाई, 2 किलो आटा कंप्लीट तैयार हो गया है। आटा देखें कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त बना है। आटे कम से कम भी ये आटा आपने लगाना है, सही है। और अब हम आपको दिखाएंगे दंदिया पकड़ के इससे इंशाल्लाह। तो और दूसरी बात ये है कि आटा कंप्लीट हो गया है, आज आपसे फार्मूला शेयर कर दिया भाइयों। और जो ये आटे का तरीक़ेकार है शकील भाई का, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और वीडियो को पूरा देखो मेरे भाई। और कोई अगर मामला थे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है यूट्यूब पे, आप उस पर भी जाके मेरे से बात कर सकते हैं। किसी किस्म की और शिकायत है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई मसला नहीं है, आपका फ़ोन भी उठेगा और आपसे बात भी अच्छी तरीके से होगी इंशाल्लाह। अगर और भी इसके अलावा कोई शिकवा शिकायत हो तो हम हाजिर हैं भाई इंशाल्लाह। चलते हैं अब, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज तक के लिए यही।